हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर एस के सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट किंगडम के एमसीक्यू वाले पैटर्न को। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्लांट में अगर आप एमसीक्यू करना चाहते हो तो दो या तीन कंडीशन सबसे पहले आपको रखनी है। पहला कंडीशन ये है कि जितने भी मैंने प्लांट किंगडम में आपको थ्योरी वाले लेक्चर पढ़ाया है उसको आपको सबको याद करना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि याद करना इन द सेंस कि सबसे पहले आप जितने भी प्लांट किंगडम के वीडियो हैं, आई थिंक मेरे 6 वीडियो है, तो 6 वीडियो को वन टर्म मतलब एक बार बैठ के वन सिटिंग में आपको बैठ के उसे देखना है। और बैठ के देखने के बाद जो दूसरा कंडीशन है वो एनसीईआरटी की बुक को दो बार एटलीस्ट रीड करना है। तो दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में और किसी भी चैप्टर में आप मास्टर बनना चाहते हो। तो पहला चीज़ ये है कि जितने भी मेरे लेक्चर है वो आप लेक्चर को देखें और लेक्चर भी कम से कम दो या तीन बार देखें और देखने के बाद एनसीईआरटी जरूर रीड करें और एनसीईआरटी भी दो या तीन बार रीड करें एंड देन फिर आपको एमसीक्यू करना है। ये सब में आप अप्लाई करें, बायो में, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में भी, तब आप एमसीक्यू में मास्टर बनेंगे। ऐसे डायरेक्टली आपको एमसीक्यू नहीं करना है। डायरेक्टली आप एमसीक्यू करेंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आपको चीज़ें याद नहीं रखनी है, समझनी है, क्योंकि आपको बाद में, क्योंकि जब एग्ज़ाम होगा तो चीज़ें जो समझी वाली होती है वो ज़्यादातर फ़ायदे में आती है। तो सबसे पहले वन सिटिंग में जितने भी मेरे 6 लेक्चर हैं उसको एक बार देखिए, फिर दोबारा देखिए, दोबारा देखने के बाद एनसीईआरटी पढ़ें, फिर दोबारा पढ़ें, पढ़ने के बाद ये वाला जो एमसीक्यू वाला सेक्शन है वो आप करें और डिस्कस करें, तब जाके आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। ऐसे आप डायरेक्ट देखेंगे तो उससे फ़ायदा बिल्कुल ही नहीं होगा। तो सबसे आई होप कि मैं आशा करता हूँ कि आपने वो इस सारा चीज़ मतलब सेकंड और मतलब कि सबसे पहले लेक्चर देखेंगे और फिर एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर इस लेक्चर के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू वाले सेक्शन को। तो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आपको सबसे पहले क्या होना है कि किसी भी एमसीक्यू करने का, ये शायद मेरा पहला लेक्चर है इतने दिनों बाद जिसमें आपको मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करा रहा हूँ। इससे आपको आइडिया लगेगा कि किसी भी क्वेश्चन को कैसे हम टैकल आउट करते हैं, कैसे एमसीक्यू को सही करना होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे मैंने भी किया था अपने एग्ज़ाम के टाइम में, सबसे पहले क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन है उसे हम 2 times पढ़ने की आप आदत अभी से डालें, चाहे वो एग्ज़ाम में हो या प्रैक्टिस करते हो, 2 पढ़ना है ताकि क्वेश्चन को समझ में आए। क्योंकि मेरे मतलब एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं वो कहते हैं कि सर हमने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, रॉन्ग लिखा था, राइट लिखा था, नॉट लिखा था, यस लिखा था। तो इट इज़ ड्यू टू द लैक ऑफ रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन और अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन का मतलब समझ में आ जाए तो आधा प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाता है। तो क्वेश्चन है, फिर से हम पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? तो पहला क्वेश्चन है, क्लोरिला और एस्पायरुलिना यूज एज ए स्पेस ट्रैवलर और ए स्पेस फूड। मैंने अपने लेक्चर में बहुत बार बताया है, 12th का भी टॉपिक है, कि जो एस्पायरुलिना है दे आर अ एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन और ये स्पेस ट्रैवलर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि वो प्रोटीन लेके जाते हैं। तो बिल्कुल ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल 100% राइट है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, मैनिटोल इज़ अ स्टोर्ड फूड इन रोडोफाइसी। ये गलत है, मैनिटोल नहीं होता है, ये तो जो ब्राउन एल्गी होते हैं ना मैनिटोल, उनमें ये होता है। रेड एल्गी में तो दूसरा चीज़ होता है, रेड एल्गी में तो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। तो फ्लोरिडियन स्टार्च अगर रेड एल्गी है तो फ्लोरिडियन जो स्टार्च होता है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ मतलब ये स्टोरेज मटेरियल ऑफ द रोडोफाइसी। बट मैनिटोल और लैमरिन जो होता है वो ब्राउन एल्गी में होता है, रोडोफाइसी में नहीं होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। तो अगर मुझे एक स्टेटमेंट रॉन्ग मिल गया तो ऑब्वियस ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गए। अगार अगार इज ऑप्टन फ्रॉम जेलेडिनियम और ग्रैसिलेरिया, मैंने पढ़ाए भी है, और एल्गीन और कैरकेस प्रोडक्ट ऑफ एल्गी, 100% सही है। तो आंसर इज सेकंड, यानी इसका जो आंसर होगा सेकंड हो जाएगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को करना है, समझना है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग। मतलब फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैमेटोफाइट इज नॉट
इंडिपेंडेंट ऑफ फ्री लिविंग, मतलब ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से गेमेटोफाइट फ्री लिविंग और इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। तो जितने भी जिम्नोस्पर्म के गेमेटोफाइट होते हैं वो फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, मतलब कि तो जितने भी जिम्नोस्पर्म होते हैं उनके जो गेमेटोफाइट होते हैं वो फ्री और इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं होते। तो आपको ये ढूंढना है कि इसमें जिम्नोस्पर्म कौन सा है। तो फिनेरिया और मर्चेंसिया इट इज एग्जाम्पल ऑफ ब्रायोफाइटा, ये ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल है। तो जितने भी ब्रायोफाइटा होते हैं जैसे मर्चेंसिया है, फिनेरिया है, द मेन प्लांट बॉडी जो होता है दैट इज कॉल्ड गेमेटोफाइट। इनके प्लांट बॉडी को हम कहते हैं गेमेटोफाइट्स, और जो गेमेटोफाइट्स होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, और स्पोरोजोफाइट्स होता है वो पार्शियल और फुली डिपेंडेंट होता है गेमेटोफाइट्स के। तो ये होता है, और जैसे टेरिस है इट इज एग्जाम्पल ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो इनके भी जो गेमेटोफाइट होते हैं यूजली इंडिपेंडेंट होते हैं, और इनका जो स्पोरोफाइट्स होता है वो डोमिनेंट फेज होता है लाइफ साइकिल में। तो जो पाइनस होता है, पाइनस इज एग्जाम्पल ऑफ जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म के जो गेमेटोफाइट होते हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो आंसर इज ऑल्सो सेकेंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको सब चीज़ आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, हाँ ये देखिए, रीड द फॉलोइंग फाइव स्टेटमेंट ए टू ई हमें पहले अच्छे से पढ़ना है, एंड सेलेक्ट ऑप्शन विथ ऑल करेक्ट स्टेटमेंट, सारे करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। तो पढ़ते हैं, मॉसेस एंड लाइकन आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज अ बियर रॉक्स, क्या ये सही है? तो सबसे पहले हमें पढ़ना है अच्छे से ध्यान से और फिर बताना है। तो ऑब्वियस है कि जो मॉसेस होते थे और लाइकन होते थे, तो आप ट्वेल्थ में भी इकोलॉजी में पढ़ोगे तो लाइकन्स जो होता है पहाड़ पे रहते हैं और कुछ सेक्रेटरी मटेरियल सिक्रीट करते थे और पहाड़ को तोड़ के और फिर वहाँ से नए नए प्लांट्स को ग्रो कराते थे। तो मॉसेस और लाइकन्स आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज बेयर रॉक्स, यस इट इज़ अ ट्रू, दैट इज हम यहाँ पर ट्रू लिख देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन करेक्ट, तो करेक्ट क्या ट्रू बात एक ही है। दूसरा पढ़ते हैं हम, दूसरा है कि स्लेजेना इज अ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, क्या स्लेजेना होमोस्पोरस है? बिल्कुल नहीं, आप मेरे लेक्चर में देखेंगे तो मैंने यहाँ लिखा है कि स्लेजेना जो होता है वो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स में आता है। तो ये गलत हो गया, तो ये रॉन्ग है, डब्ल्यू लिख देते हैं। सी ऑप्शन देखते हैं कि द कोरॉइड रूट्स इन साइकस हैव वैम, वैम एक टाइप का प्लांट्स होता है, तो जैसे वैम का मतलब होता है वेसिकुलर अर्बिकुलर माइकोराइजा, ये माइकोराइजा का मतलब वो है। तो साइकस जो होता है ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, जैसे नॉस्कॉट एनाबेना जो होता है ये ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, तो ये भी रॉन्ग है, ये सही नहीं है। डी देखते हैं, मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज गेमेटोफिटिक वेयर द टेरिडोफाइट इज स्पोरोफाइट, 100% ट्रू, बिल्कुल सही है। और ई देखते हैं, इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट्स आर प्रेजेंट विद इन द स्पोरेंजिया लोकेटेड टू द स्पोरोफाइट्स, ए भी बिल्कुल सही है। तो हमें पांच में से तीन सही मिला, ए डी और ई यही सही होगा, बाकी सब गलत होंगे। तो ऐसा आप करके देख सकते हैं अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि द मेल गैमेट्स आर फ्लैजिलेटेड, या तो अगर आप मेरे लेक्चर को अच्छे से देखेंगे तो डायरेक्ट आपको यह आंसर आ जाएगा, द मेल गैमेट्स आर फ्लैजिलेटेड, इनमें से बताना है कि मेल गैमेट कौन सा फ्लैजिलेटेड होता है। दो तीन बार हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, तो मेल गैमेट जो फ्लैजिलेटेड होता है वो हमारा एक्टोकार्पस वाला जो होता है उसका मेल गैमेट फ्लैजिलेटेड होता है, क्योंकि इसके जो मेल गैमेट होते हैं वो बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं। बाई फ्लैजिलेटेड का मतलब ये होता है कि दे हैव अ टू फ्लैजिला, ठीक है। तो एक्टोकार्पस वाला होता है वो क्या होता है कि उसका जो गैमेट होता है फ्लैजिलेटेड होता है, दो टाइप के फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। एनाबेना की बात करें, जैसे ये एनाबेना है, तो एनाबेना जो एग्जाम्पल है वो साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल है,
और ये कभी भी मतलब कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, तो ये ऑप्शन ऐसे गया गया। स्पायरोगैरा की बात करें तो स्पायरोगैरा के जो गैमेट होते हैं वो नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, तो स्पायरोगैरा के जो गैमेट होते हैं वो नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, आपको याद रखना है। और जो ये तीसरा ऑप्शन है पॉलीसाइफोनिया, जो पॉलीसाइफोनिया है वो भी नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करता है, तो फ्लैजिलेटेड जो गैमेट है वो एक्टोकार्पस है, तो आंसर इज ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट काइरा। अब आपको काइरा अच्छे से आना चाहिए तभी आप इससे रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढ सकते हैं। तो काइरा के लिए रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है, तो पहला चीज ये है कि लिखा है कि द अपर ऊगोनियम एंड द लोअर राउंडेड एंथीरिडियम, कि जो लोअर होता है वो राउंडेड एंथीरिडियम होता है, बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है। ग्लोब्यूल्स एंड न्यूक्लियस आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, बिल्कुल सही बात है। अपर एंथीरिडियम एंड लोअर ऑगोनियम नहीं, अपर एंथ्रीडियम में अपर ऊगोनियम होना चाहिए, सबसे ऊपर ऊगोनियम होना चाहिए और लोअर एंथ्रीडियम दैट इज मेल पार्ट होना चाहिए, तो ये गलत है, तो आंसर अपने आप सी हो जाएगा। तो इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीट फॉर्मेशन। पीट कह लीजिए या इसे कह लीजिए बॉगमॉस, बॉगमॉस भी इसे बोलते हैं, तो बॉगमॉस कह लीजिए या पीट किससे प्रोड्यूस होता है, तो ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीट मॉस फॉर्मेशन एंड बॉग मॉस फॉर्मेशन। जैसे मैं बार बार क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ वैसे ही आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, तो ये आप डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि जो स्पैग्नम होता है वो जो इसे हम बॉग मॉस और पीट मॉस कहते हैं। एक्चुअली जो स्पैग्नम होता है इट इज एग्जाम्पल ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो क्या होता है कि जैसे ये प्लांट लाइक स्ट्रक्चर है, तो जो पुराना वाला पार्ट होता है वो जब मर जाता है तो वो मरने के बाद जल्दी से डिकम्पोज नहीं होता है, कारण ये होता है क्योंकि उसके ऊपर एसिड वगैरह एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल एक्शन चलता रहता है और डेड पार्ट इकट्ठा होते रहता है, जो डेड पार्ट इकट्ठा होता रहता है काफ़ी सालों सालों तक, जो कि कार्बन रिच होता है, इसके अंदर कार्बन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसे पीट बोलते हैं। तो ये फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है, जलाने में यूज़ किया जाता है, इसे पैराफिन और एसिटिक एसिड्स वगैरह, टार वगैरह, अमोनिया भी हम निकालते हैं और इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो पीट मॉस और बॉग मॉस इज स्पैग्नम, ये ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल है, तो ऐसे आप डायरेक्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन। तो क्वेश्चन नंबर सेवन में लिखा हुआ है कि मेल गैमेटोफाइट्स विथ लीस्ट नंबर ऑफ सेल्स इन प्रेजेंट, यानी मेल गैमेटोफाइट में सबसे कम नंबर के सेल्स किस में होते हैं, ये बिल्कुल ध्यान देने वाली बात यह है कि मेल गैमेटोफाइट में किस में सबसे कम नंबर के सेल्स होते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है टेरिस। तो टेरिस जो होता है वो क्या होता है, सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा कि जो टेरिस होता है वो मल्टी सेलुलर इसके गैमेटोफाइट्स होते हैं, मल्टी सेलुलर गैमेटोफाइट्स होते हैं और एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया होता है, तो इसमें लीस्ट नंबर तो नहीं होता, बहुत ज़्यादा होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं इनके गैमेटोफाइट। फिनेरिया की बात करें तो फिनेरिया भी बाइसेक्सुअल लीफी गैमेटोफाइट्स इसका होता है, तो मतलब कि ये भी लीस्ट नंबर नहीं हो सकता है। लीलियम जो होता है एंजियोस्पर्म है और पाइनस जो है जिम्नोस्पर्म है, तो लीलियम जो होता है एंजियोस्पर्म होता है, तो इसमें जो होता है इसके जो गैमेटोफाइट्स होते हैं टू सेल स्टेज होता है, टू सेल स्टेज होता है, और इसके जो गैमेटोफाइट होता है वो थ्री सेल स्टेज होता है, थ्री सेल स्टेज होता है। तो मेल में मेरे हिसाब से जो टू सेल स्टेज है इसमें सबसे कम सेल है, तो ये आंसर हमारा मेल गैमेटोफाइट विद लीस्ट नंबर ऑफ सेल्स इन प्रेजेंट इज लीलियम विच इज अ एंजियोस्पर्म, तो ऐसे आप देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, मतलब इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, चारों में से तीन सही होंगे एक गलत होगा, तो गलत हमें ढूंढना है पहली बात और अच्छे से ढूंढना है। तो पहला पढ़ते हैं कि इन ओमाइसीट्स द फीमेल गैमेट्स इज स्मॉलर एंड मोटाइल वाइल द मेल गैमेट इज लार्जर एंड नॉन मोटाइल। पहली बात कि मेल गैमेट जो होते हैं वो लार्जर नहीं होते हैं, ठीक है, मेल गैमेट कभी भी लार्जर नहीं होते हैं, तो और इसमें मेल गैमेट हमेशा छोटे होते हैं और मोटाइल होते हैं, ये हमेशा सबके लिए लागू होगा कि मेल गैमेट जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं। एम से याद रखिए, मेल गैमेट इज मोटाइल होते हैं और मोटाइल मतलब एक जगह जा सकते हैं और छोटे होते हैं,
स्मॉलर होते हैं। तो ये पहला ही स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, इसका मतलब ये तीनों स्टेटमेंट राइट होगा। केमाइडिया एग्जिबिट बोथ आइसोगेमी और एनआइसोगेमी, फ्यूकस शो द उगेमी, आइसोगेमस आर सिमिलर स्ट्रक्चर फंक्शन एंड बिहेवियर, ये डिफिनेशन है, और एंजियोगैमेट्स डिफर फ्रॉम देयर स्ट्रक्चर, इन नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे और एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा ये सारा चीज़। दूसरा कहते हैं कि आइसोगेमस कंडीशन विच इज़ नॉन फ्लेजिलेटेड गैमेट इज फाउंड इन, जब मैंने लेक्चर दिया था प्लांट किंगडम में तो एग्जैक्टली यही क्वेश्चन मैंने लिखा था। तो डायरेक्टली अगर आपने वीडियो देखा होगा तो स्पायरो वगैरह इसका आंसर है, याद करने वाला है। आइसोगेमस मतलब सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट्स विथ इज नॉन फ्लेजिलेटेड गैमेट विच इज नॉट मूव टू ईस्ट टू द, मतलब ये मूव नहीं कर सकते हैं। जबकि खेमाइडिया का आप देखेंगे तो खेमाइडिया के जो गैमेट्स होते हैं फ्लेजिलेटेड होते हैं और सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं, बट फ्लेजिलेटेड हो सकते हैं। वॉल्वॉक्स जो होता है और फ्यूकस, इनके जो गैमेट्स होते हैं नॉन फ्लेजिलेटेड, नॉन मोटाइल्स होते हैं, मतलब नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट्स होता है और ऐसे है। तो स्पायरो वगैरह इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है कि मोनोसियस प्लांट जैसे काइरा, देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया, इसलिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चंस के जो फॉर्म होते हैं और टॉपिक होता है वो रिपीट होता है, क्वेश्चन रिपीट कम होता है बट इसके टॉपिक रिपीट होते हैं। तो काइरा तो फिर से रिपीट हो गया, अक्रेंस ऑफ, तो काइरा में अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन डिस्कस किया होगा तो उसके काइरा के प्लांट्स जो होता है, एक तो मोनोसियस प्लांट है तो इसके ऊपर उगोनियम होता है, ऊपर उगोनियम और नीचे एंथ्रीडियम, ये ध्यान रख लीजिए। तो अपर एंथ्रीडियम गलत, अपर उगोनियम और लोअर एंथ्रीडियम बिल्कुल सही। एंथ्रोफाइट और आर्किगोनियम ऑन द सेम प्लांट, नहीं मतलब कि इसमें सेम प्लांट पे ही होते हैं बट अपर उगोनियम होता है, स्टेमेन एंड कार्पन ऑन द सेम प्लांट नहीं। तो आंसर इज बी, आंसर इज बी, तो जो बी आंसर होगा वो सही होगा। तो ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ऐसे आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने 10 क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस कराया आपको, और बाकी आप क्वेश्चन ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप मुझे इस वीडियो के बाद रिव्यू ज़रूर बताएं कि आपको इस टाइप की वीडियो कैसे लग रही है, आपको एमसीक्यू और प्रैक्टिस कराएं, क्योंकि एमसीक्यू और प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे एमसीक्यू प्रैक्टिस कराने में करीब 30 मिनट से ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन खाली आंसर नहीं बताना है, हर चारों को एक्सप्लेन करना है, तो इट टेक टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसके ऊपर अगर और वीडियो बनानी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कम से कम मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 50,000 लाइक आने चाहिए अगर आप इतना देख रहे हैं तो, और शेयर विद फ्रेंड्स ताकि उन्हें पता चले कि एमसीक्यू कैसे किया जाता है और कैसे करते हैं। थैंक यू सो मच।